हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं कुवैत केरला प्रीमियर लीग T20 में होने वाले आज के मुकाबले की। चौथा मुकाबला है टूर्नामेंट का, अरेबियन सीगल का दूसरा मुकाबला है टूर्नामेंट का, अपना पहला मुकाबला जीत कर आए हैं। और कन्नूर ब्लू ड्रैगन्स की अगर आप बात करो तो टूर्नामेंट का पहला मुकाबला है और बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है, क्योंकि ईगल्स की फॉर्म अगर आपने पहले मुकाबले में देखी हो ना भैया, 200 प्लस रन्स बना दिए थे ना, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। इनके ओपनर ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था, नीचे वाले प्लेयर्स ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था। दो हाफ सेंचुरीज थी, एक ओपनर से और एक नीचे वाले प्लेयर से, मतलब ऑलराउंडर से। अगर आप डेट देखो तो आज के दिन आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा 10:45 इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो, डिसेंट पिच है, आपको रन्स बनते हुए दिखेंगे और बॉलर्स भी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बॉलर्स बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। कल के मुकाबले की अगर आप बात करो तो विकेट्स गिरी हैं, बहुत विकेट्स गिरी हैं, उससे पिछले मुकाबले में भी विकेट्स गिरी थी। अब अगर आप वेदर रिपोर्ट की बात करो, कुछ क्लाउडी हैं बट रेन के ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, आपको लगातार दो दिन भी रेन देखने को नहीं मिली है, ज़्यादा रेन के कोई थ्रेट्स हैं नहीं। कन्नूर ब्लू की अगर आप बात करो, विकेट कीपिंग सेक्शन में तीन प्लेयर्स हैं, तीन में से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो है वो हासिम मोहम्मद की है, राइट हैंड बैट्समैन, 21 मुकाबले 483 रन, हाईएस्ट स्कोर 81, एवरेज 32, स्ट्राइक 183, हाफ सेंचुरी एक। 2023 की अगर आप बात करो, सात मुकाबले खेल रखे हैं, रन अगर आप देखो 168, हाईएस्ट स्कोर 48, एवरेज की अगर आप बात करो 24, स्ट्राइक 176। जीजू राजू राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 78 मुकाबले 3200 रन, हाईएस्ट स्कोर 158, एवरेज 43, स्ट्राइक 196, हाफ सेंचुरीज 14, सेंचुरीज 9, ओवर एक और विकेट 0। 2023 में 18 मुकाबले 752 रन, हाईएस्ट स्कोर की अगर आप बात करो 158, एवरेज 42, स्ट्राइक रेट 193, हाफ सेंचुरीज 3 और सेंचुरीज अगर आप देखोगे तो 2। प्रसन्नन की अगर आप बात करो, प्रशांत प्रसन्नन राइट हैंड बैट्समैन, 21 मुकाबले रन अगर आप देखो 157, हाईएस्ट स्कोर 25, एवरेज 9, स्ट्राइक रेट 109, ओवर 4 और विकेट 0। बैटिंग सेक्शन में मनुराज रामचंद्रन, इसकी सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा है बट मुझे इसके स्टैट्स इतने ज़्यादा बढ़िया नहीं लगे हैं। राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 32 मुकाबले खेल रखे हैं, 104 ओवर करवा रखे हैं, आपको ओवर्स ये कंप्लीट करवा कर देकर जाएगा, लगभग लगभग तीन या चार ओवर आपको लाकर देकर जाएगा। विकेट 34, चार विकेट ऑल एक बार। 2022 में सिर्फ और सिर्फ दो मुकाबले खेले हैं, उसमें चार ओवर करवाए हैं और विकेट एक। नितिन वारी राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर्स, एक मुकाबला 17 रन, स्ट्राइक रेट 121, ओवर 4 और विकेट 3। उसके बाद अर्जुन की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 47 मुकाबले रन अगर आप देखो 733, हाईएस्ट स्कोर 67, एवरेज 22, स्ट्राइक रेट 136, हाफ सेंचुरीज 3, ओवर 131, विकेट 38। 2023 की अगर आप बात करो, तीन मुकाबले 17 रन, हाईएस्ट को 38, एवरेज 25, स्ट्राइक रेट 172, ओवर 9 और विकेट 2। शिवराज की अगर आप बात करो, कैप्टेंसी करेगा अपनी टीम की, राइट हैंड बैट्समैन, 73 मुकाबले, बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, कैप्टेंसी बढ़िया प्लेयर को दे रखी है ना। रन अगर आप देखो 2736, हाईएस्ट स्कोर 145, एवरेज 44, स्ट्राइक रेट 180, हाफ सेंचुरीज 18, सेंचुरीज 4, ओवर 84, विकेट 29, चार विकेट ऑल एक बार। 2023 में सात मुकाबले खेले हैं, रन अगर आप देखो 231, हाईएस्ट स्कोर 60, एवरेज 33, स्ट्राइक रेट 179, हाफ सेंचुरीज 1, ओवर 19, विकेट 4। निजामुद्दीन की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, 33 मुकाबले रन 1320, हाईएस्ट स्कोर 112, एवरेज 42, स्ट्राइक रेट 192, हाफ सेंचुरीज 8, सेंचुरीज 3, ओवर 4, विकेट 2। 2023 में एक मुकाबला रन 8, स्ट्राइक रेट 80। फिर उसके बाद ऑलराउंडिंग सेक्शन की बात करो, अनूप आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 58 मुकाबले रन 537, हाईएस्ट स्कोर 45, एवरेज 18, स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करो 119, ओवर 94, विकेट 47, चार विकेट हॉल दो बार, पांच विकेट हॉल एक बार। 2023 में सात मुकाबले 239 रन, हाईएस्ट स्कोर 91, एवरेज 39, स्ट्राइक रेट 183, हाफ सेंचुरीज 1, ओवर 27, विकेट 12। सिराट वासुदेव राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 23 मुकाबले 277 रन, हाईएस्ट स्कोर 38, एवरेज 19, स्ट्राइक रेट 167, ओवर 84, विकेट 39, चार विकेट हॉल एक बार। 2023 में 12 मुकाबले खेल रखे हैं, रन 141, हाईएस्ट 37, एवरेज 17, स्ट्राइक रेट 167, ओवर 46, विकेट 20, चार विकेट ऑल एक बार। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है बट इसकी सिलेक्शन बहुत ज्यादा कम है। निकल प्रकाश राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 53 मुकाबले 1334 रन, हाईएस्ट स्कोर 101, एवरेज 36, स्ट्राइक रेट 124, हाफ सेंचुरीज 9, सेंचुरीज 1, ओवर 75, विकेट 25। 2023 में 13 मुकाबले 208 रन, हाईएस्ट स्कोर 49, एवरेज 16, स्ट्राइक रेट 111, ओवर 23 और विकेट 4। अरोमल शिवा कुमार राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 26 मुकाबले रन अगर आप देखो 905, हाईएस्ट स्कोर 206, एवरेज 39, स्ट्राइक रेट 202, हाफ सेंचुरीज 6, सेंचुरीज 1, ओवर 67, विकेट 32, चार विकेट ऑल दो बार। 2023 में तीन मुकाबले खेल रखे हैं, रन अगर आप देखो 20, हाईएस्ट स्कोर 16, एवरेज 6, स्ट्राइक रेट 142। बॉलिंग सेक्शन में यहां पर सैमुअल शशि, इसकी सिलेक्शन ज़्यादा है पर इस प्लेयर की परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 32 मुकाबले 1060 के करीब रन, हाईएस्ट स्कोर 140, एवरेज 40, स्ट्राइक रेट 160,
63 सेंचुरीज अगर आप देखो, दो हाफ सेंचुरी, 7 ओवर, 78 विकेट, 22। उसके बाद अगर आप 2023 की बात करो, 9 मुकाबले, रन 470, हाईएस्ट स्कोर 125, एवरेज 58 का है, स्ट्राइक रेट 180, सेंचुरीज 1, हाफ सेंचुरीज 4 ओवर, 27 और विकेट 6, आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर है ये प्लेयर। फिर उसके बाद अगर आप एस संजीवन की बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, 40 मुकाबले, 78 रन, हाईएस्ट स्कोर 19, एवरेज ओवर अगर आप देखो 136, विकेट 48। 2022 में 5 मुकाबले खेल रखे हैं, ओवर 20 और विकेट 9। फिर उसके बाद अंसार अशरफ, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 16 मुकाबले, रन्स 12, ओवर 34, विकेट 10, 4 विकेट ऑल। एक बार 2023 में 2 मुकाबले, ओवर 6, विकेट 1। उसके बाद सुजीत वाडा आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, 29 मुकाबले, रन्स 97, हाईएस्ट को 37, स्ट्राइक रेट 95, ओवर 56, विकेट 20। उसके बाद अनस यूनिस, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड फास्ट बॉलर, 21 मुकाबले, रन अगर आप देखो 197, हाईएस्ट को 66, एवरेज अगर आप देखोगे 15, स्ट्राइक रेट 143, ओवर 68, विकेट 42, 4 विकेट ऑल 3 बार, 5 विकेट ऑल 1 बार। अरेबियन ईगल्स की अगर हम बात करें, डीजू बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत प्लेयर है, पहला मुकाबला आउटस्टैंडिंग रहा है, 81 रन की पारी, पहले रिटायर्ड हर्ट हो गया था, उसके बाद वापस आया, फिर कुछ और रन्स करे इसने और फिर आउट हुआ था। हो सकता है आज का मुकाबला ना खेले, पर अभी के लिए ज़्यादा कुछ अपडेट है नहीं, प्लेइंग 11 आएगी वहीं से पता लगेगा। 5 मुकाबले टोटल खेल रखे थे, 41 रन। मैथ्यू जोसफ, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, पिछले मुकाबले में 2 ओवर करवाए, 1 विकेट चटकाई, 3 रन की पारी खेली और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई है, बट अभी के लिए ना इस प्लेयर को रखना नहीं रखना वो टोटली आपके ऊपर है। 2022 में जब इसने आखिरी मुकाबले जो खेले थे उसमें 6 मुकाबले खेले थे, 121 रन करे थे, हाफ सेंचुरी 1 थी, बट इसने बॉलिंग नहीं करवाई थी एक भी मुकाबले में। पिछले मुकाबले में टीम ने बॉलिंग करवाई है, पर पक्का नहीं है कि आज के मुकाबले में बॉलिंग करवाएगा या नहीं करवाएगा, देखते हैं। अगर डीजू नहीं खेलता है फिर मैं मैथ्यू को लूंगा। जेसन की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, पिछला मुकाबला 15 रन, 0 विकेट, 1 ओवर करवाया है, 8 मुकाबले 2022 में खेले, रन अगर आप देखो 212, हाईएस्ट स्कोर 52 का है, एवरेज 53, क्योंकि कई मुकाबलों में नॉट आउट रहा था ये प्लेयर, ओवर 5 और विकेट 3। फिर उसका शहबाद अब्दुल्ला, 2 रन की पारी इसने पिछले मुकाबले में खेली थी, इतना बढ़िया प्लेयर मुझे लगा भी नहीं बैटिंग में। जिस जैकॉब, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, पिछला मुकाबला 4 ओवर, 2 विकेट और अगर आप देखो 11 रन, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी इस प्लेयर की बॉलिंग से, बैटिंग से 11 रन की पारी रही थी, इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं रही थी, बट बॉलिंग से बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही थी। ऐसे जितिन जोश, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, जैसे मैंने आपको बताया 2 हाफ सेंचुरीज हुई थी, एक ओपनर ने करी थी और एक नीचे वाले प्लेयर, वो जो नीचे वाला प्लेयर था वो जितिन जोश ही था, 86 रन की पारी और 3 ओवर भी अपने कंप्लीट करवाए हैं, 0 विकेट है, बट स्टिल एक बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी आराम से दे सकते हो। जिजेश की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, पिछला मुकाबला 3 रन, सिलेक्शन इसकी ज़्यादा है बट आप आराम से ड्रॉप कर सकते हो इस प्लेयर को। उसके बाद समीर की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, 4 ओवर, 2 विकेट और रन्स नहीं करे हैं, बट अगर आप इसकी एवरेज देखोगे तो आउटस्टैंडिंग है, 43 की एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरीज आपको देखने को मिली हैं। हो सकता है टीम इसे ऊपर भेज दे अगर कोई ऊपर वाला ओपनर प्लेयर नहीं खेलता है, ऊपर के कोई अगर प्लेयर नहीं खेलते हैं तो इस प्लेयर की यहाँ पर अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखो तो ऊपर जा सकता है। हुस्नी मुबारक, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, 1 ओवर, विकेट लेस गया था इसका, पिछला जो 2022 में जो मुकाबले खेलते 6 मुकाबले खेले थे, 12 रन और 3 विकेट। उसके बाद अनिश बाबू मोहम्मद, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, 1 ओवर, विकेट 0 और उसके बाद अगर आप मोहम्मद फारूक की बात करो, 4 ओवर, 2 विकेट। इसके मैंने स्टैट्स देखे थे, ठीक ठाक स्टैट्स हैं इस प्लेयर के, और अगर ये प्लेयर आज दोबारा खेलता मैं आपको स्टैट्स टेलीग्राम पर इसके प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे अगर आप आओगे कुछ और प्लेयर्स हैं, कुछ बढ़िया प्लेयर्स भी हैं, अगर टीम इंक्लूड करती है तो यहां पर आप स्टैट्स देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहां से जो सबसे बढ़िया मुझे प्लेयर लगा जो अभी बेंच में बैठा हुआ है वो अरशद हमजा है, जिसकी 2023 में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, 11 मुकाबलों में 6 विकेट। इसके अलावा पंचाल का भी एक ऑप्शन है जिसने कंसिस्टेंसी से विकेट चटकाई हैं। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेंगे, अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। अब अगर आप देखो आपके पास प्लेयर्स कौन कौन से हैं जो बहुत बढ़िया हो सकते हैं, जे राजू जैसे मैंने आपको बताया बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, एच मोहम्मद की सिलेक्शन ज़्यादा है, इस प्लेयर की भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे ना तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं कि बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है, ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। एस करीम की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा, बट अभी के लिए मैं ट्राई नहीं करूँगा, इसने कैचिंग पकड़ी है पिछले मुकाबले में, इस वजह से इस प्लेयर के पॉइंट्स ज़्यादा हैं। उसके बाद अगर आप देखो बैटिंग सेक्शन में, डी जेवियर आपके पास है, यहां पर अभी के लिए मैंने एन सैमल को पिक कर रखा है, रामचंद्रन एज अ प्योर बॉलर खेलेगा मेरे हिसाब से, फिर उसके बाद ए वार्ड के आपके पास और यहां पर एस रामचंद्रन। अच्छा, अगर आप यहां पर एस करीम को पिक करना चाहते हो अपने ग्रैंड लीग में पक्का पिक कर देखना और इसे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, क्यों? क्योंकि ये प्लेयर आपको बैटिंग में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर देकर जा सकता है, इतना ध्यान रखना। उसके बाद अगर आप देखो एस रामचंद्रन का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके पास रहेगा, और उसके बाद जे जॉर्ज इज ऑल्सो अ गुड पिक अभी के लिए ना,
आपके ऊपर है। आप यहाँ तो जे जॉर्ज को पिक कर सकते हो यहाँ पर, यानी तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास ऑप्शन रहेगा एम जोसफ का, अगर ट्राई करना चाहते हो एम जोसफ भी ट्राई कर सकते हो, या नहीं तो फिर एस करीम। ये तीन ऑप्शन आप यहाँ पर इसकी जगह, मतलब अगर आपको यहाँ पर जे जॉर्ज पिक नहीं करना है तो इसकी जगह अगर आप कोई और प्लेयर पिक कर सकते हो तो एम जोसफ और एस करीम रहेगा। ऑलराउंडिंग सेक्शन में अभी के लिए यहाँ पर ओरावंदु आपके पास है, और दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर एस ताजुद्दीन। एस ताजुद्दीन की सिलेक्शन कम है बट प्लेयर आउटस्टैंडिंग है, बॉलिंग बहुत बढ़िया करी है इसने पिछले मुकाबले में, इसीलिए मैंने अभी के लिए इस प्लेयर को ट्राई करा है। जितिन जोश, जे जैकॉब और एस सिसिल। एस सिसिल की सिलेक्शन ज़्यादा है, एस सिसिल के स्टैट्स भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, अगर टीम इसे ऊपर भेज देती है तो आपको बैटिंग में भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर देखा जा सकता है, और बॉलिंग में तो इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। नीचे अगर आप आओगे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया आर पंचाल अगर टीम खिलाती है तो। इसके अलावा अगर आप दूसरी टीम की बात करोगे, ए यूनिस का एक ऑप्शन आपके पास है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, ट्राई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। एम फारूक एजा सब्सिट्यूट खेला था पिछले मुकाबले में, पिछले मुकाबले में एस करीम को पहले अनाउंस नहीं करा गया था, फिर बाद में अनाउंस करा गया था, चेंज हुए थे प्लेयर्स, ठीक है। अब अगर आप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की बात करो, ऑप्शन क्या क्या हैं आपके पास, डी एग्जेवियर का ऑप्शन है, 50% सिलेक्शन है इसकी एज अ कैप्टेंसी की। अगर आप देखना भी चाहो तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर हाँ यहाँ पर 60% हो गई है भैया, 60% सिलेक्शन है इसकी, ठीक है। और अगर आप बात करो इसके अलावा कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कुछ और ऑप्शंस हैं जो आप रिस्की अगर ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो कैप्टेंसी वाइज कैप्टेंसी के, जैसे एस रामचंद्रन का एक ऑप्शन रहेगा, जे राजू का एक ऑप्शन रहेगा आपके पास, एस ताजुद्दीन का ऑप्शन रहेगा जिसकी सिलेक्शन भी कम है और ऊपर से कैप्टेंसी वाइज कैप्टेंसी की भी सिलेक्शन कम है। अभी के लिए अगर आप मेरी टीम देखोगे, जे राजू, डी एक्सेवियर, उसके बाद एन सैमुअल, ए वाडकड़े, फिर उसके बाद एस रामचंद्रन, फिर जे जॉर्ज आपके पास है, कैप्टेंसी यहाँ पर ओरावंदु को दे रखी है, फिर उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर एस ताजुद्दीन, वाइस कैप्टेंसी जे जॉर्ज, जे जैकॉब, फिर उसके बाद यहाँ पर एस शीशी। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।